नमस्कार साथियों, ध्रुव राठी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। आज के इस वीडियो में उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आज तक आप नहीं जानते हैं, जैसे ध्रुव राठी कौन है और ये कहाँ का रहने वाले है और ये अभी कहाँ रहते हैं, ध्रुव राठी का एजुकेशन क्या है और उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, ध्रुव राठी का पूरा नाम क्या है और उनके माता पिता का क्या नाम है, ध्रुव राठी हिंदू है या मुस्लिम है, ध्रुव राठी अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं और उनके कुल संपत्ति कितने करोड़ की है और उनके पास कौन कौन सी लग्जरी कारें हैं, ध्रुव राठी के पत्नी का क्या नाम है और उनके कुल कितने बच्चे हैं और भी बहुत कुछ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी एक भारतीय यूट्यूबर है और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। ध्रुव राठी ने अपने बचपन की पढ़ाई हरियाणा में ही की है। उनके स्कूल में जब भी एग्जाम होता था उनका मार्क्स 70 से 80% था। क्लास 12 पास करने के बाद ध्रुव राठी ने IIT और JEE का एग्जाम दिए, लेकिन अच्छा मार्क्स बनवाने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने NDA का एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान फिर से बाहर हो जाते हैं। 2012 में इंजीनियरिंग के पढ़ाई करने के लिए इनके परिवार वालों ने इनको जर्मनी भेज देते हैं। 3 साल जर्मनी में रहकर इंजीनियरिंग का पढ़ाई 2015 में समाप्त कर लेते हैं। पढ़ाई के दौरान ही इनको एक जूली नाम के लड़की से प्यार हो जाता है और उसी लड़की से शादी भी कर लेते हैं। ध्रुव राठी बहुत पापा बनने वाले थे, क्या पता अब शायद बन भी गए होंगे। ध्रुव राठी ने अपने परिवार को सोशल मीडिया से कोसों दूर रखते हैं। हालांकि ध्रुव राठी एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका पूरा नाम बद्रुद्दीन रशीद लाहौरी है और उनका माता का नाम सुनीति है और उनका पत्नी का नाम जूली है। जूली जर्मनी का रहने वाली है और ध्रुव राठी अधिकांश जर्मनी में ही रहते हैं। 2012-13 के बाद पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट जगने लगा, क्योंकि उस वक्त पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में और वही दूसरी तरफ 2014 में अपने देश के नया प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 100 दिन के अंदर काला धन को वापस ला दूंगा, और यही कारण रहा कि ध्रुव राठी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा और इन्होंने अपना पहला वीडियो 8 जनवरी 2023 को यूट्यूब पर अपलोड किए थे। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल से महीने का लाखों रुपए से अधिक अर्न करते हैं और गूगल आर्टिकल्स के अनुसार ध्रुव राठी के पास कुल संपत्ति 27 करोड़ से भी अधिक की है। हालांकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर अपना कुल संपत्ति गूगल को सही नहीं बताते हैं, हालांकि वे लोग जितना भी बताते हैं उससे कई गुना अधिक उन लोगों के पास संपत्ति होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ध्रुव राठी के पास अभी एक भी लग्जरी कार नहीं है। उनको जब भी कहीं ट्रेवल करना होता है तो वे किराए की गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। ध्रुव राठी के पास इंजीनियरिंग के अलावा कोई भी डिग्रियां नहीं है। ध्रुव राठी ने जिस टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं वो टॉपिक ही ट्रेंड कर जाता है, क्योंकि वो जो भी वीडियो बनाते हैं फैक्ट से रिलेटेड बनाते हैं। उनका वीडियो का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा है कि वो जब भी वीडियो अपलोड करते हैं बहुत कम समय में करोड़ों में व्यूज आ जाता है। उनका वीडियो का इंतजार बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग करते हैं। ध्रुव राठी हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, उनको कोई कितना भी ट्रोल क्यों ना कर दे वो कभी किसी को गाली नहीं देते हैं और यही कारण है कि उनके वीडियो का इंतजार बहुत सारे लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ध्रुव राठी के बारे में ऑल ओवर जानकारी मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।